तो चलिए बड़ा मैच कीजिए इस मैदान पे 85 किलोमीटर्स पर आवर साइड पे विशाल और 9 सेकंड पर जॉन्टी तो एक तरफ बिरभुम का दिल और दूसरी ओर धड़कन चलिए यहां पर रिवर्स स्वीप आ चुका है और सीमा रेखा पार ये गेंद जा चुका है चलिए आगाज आ चुका है यहां पर विशाल के बल्ले से पूरी वापस सर जी क्या ऐसे कमबैक कर पाएंगे स्ट्राइक पे विशाल कुछ अलग कुछ खास करने का प्रयास रहेगा यहाँ पर संजीत का स्वीप सीधा बैट्समैन के हाथ में लेकिन फाइनली वो भाग्य का साथ ये मिल चुका है तो पहले मैच में जिस तरीके से लक का साथ मिल रहा था इस मैच बोली वापिस संजीत खेलने का प्रयास बॉडी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं जनाब कभी कभी आप गलती करते हैं तो बड़ों का सुनना जरूरी है तो बड़े भी आपका मैसेज आया था और छोटे भी आ रहे वो अब मैसेज पर खड़े उतरे हैं गलती करते हुए और सबके बहुत बाहर ही गए वाइट बॉल बढ़ता हुआ स्ट्राइक पे विशाल फाइनली सिंगल मिल चुका है तो एक लौते विशाल से यहाँ पर एक मैच जीता जा सकता है लेकिन यहाँ पर अपमान करना जरूरी है क्योंकि ये बड़ा मैच हाई वोल्टेज मैच है स्ट्राइक पे बिहार चौंटी तो यहाँ पे हल्के हाथों के साथ टहलाया है जॉन्टी ने और यहाँ पे मैसेज दिया है जनाब मंच बड़ा होता है तो सरपंच बड़ा होता है विशाल রাজ ময়দান থেকে সাইকা বড় বিশাল रौनक ये छोटे भी गेंदबाजी के नंबर वो बड़े भाई वाला काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी खेलने का प्रयास इसी के साथ हिंदी गेंद और ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर दो बोलर्स हैं जनाब इनके पिटारे में हर एक शॉट है रिवर्स भी है सीधा बल्ला भी है चाहिए और जाकर गेंद उठा कर लाई है मिलेगा चांस तो यहां पे भी एक और बार अब की बार तीसरी बार स्ट्राइक एक और बार विशाल सो यहां पे भी जनाब शॉट देखिए यहां से विशाल के बल्ले से स्ट्राइक पे एक और बार विशाल 77 चलिए फाइनली लेपाई के तौर पर सिंगल मिल चुका है और यहां पे विशाल मूड में आ चुके हैं क्या यहां से छोटे भी कमाल कर पाएंगे तो विशाल यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जॉन्टी का बल्ला ये हल्ला मचाना 77 यहाँ पे बस चुके हैं रमेश ने कमबैक किया है चलिए फाइनल भी दिखे थॉट बॉल आ चुका है साइड पे एक और बार जॉन्टी 82 यहाँ पे गैप को इस्तेमाल करने का प्रयास सीधा फील्ड्समैन के हाथ में हिंदी गेंद और ओवर की समाप्ति तीन ओवर की समाप्ति तीन ओवर के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ से 41 बिना किसी नुकसान के चलिए चौथे ओवर के लिए बिट्टू को लाया गया है
87 kilometers. झड़ने गेंदबाजी कर रहे हैं, लेजर टारगेट मिसाइल के तौर पर फाइनल बिंदी गेम डॉट बॉल स्ट्राइक पे विशाल 79 अभी समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, लेग स्टंप के बाहर का गेंद अतिर के खाते में एक रन बोल रहे थे यार विशाल 82 kilometers. यहाँ पे भी खेलने का प्रयास एक और बार वाइट बॉल का इशारा लेकिन यहाँ पे ट्विक्स ऑफ वाइट बॉल स्ट्राइक पे विशाल 85 kilometers. यहाँ पे रिवर्स खेलने का प्रयास फाइनली सिग्नल मिल चुका है लेग बाई के तौर पर अभी तक चोंटी का बल्ला के मैदान पर कुछ अलग कर नहीं पाया है तो भरोसा दिखा बीरभूम चौंतीस ऑफ स्ट्राइक खेलने का प्रयास जनाब ये भूल चुके हैं ये नेट सिक्स का खेला है नहीं चलिए फंस चुके हैं विकेट मिल चुका है चौंटी आउट होकर पवेलियन में वापस अच्छा बैट्समैन ने 85 प्रशांत स्ट्राइक पर आते ही आते रिवर्स खेलने का प्रयास टीम कप्तान और ड्राइविंग सीट पर अपने टीम को वापसी कर रहे हैं इसीलिए मैं कहता हूँ जो कप्तान होता है सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैदान पे उतरता है कप्तान साहब स्ट्राइक पर हाथों से खेलने का प्रयास फाइनल बिंदी के डॉट बॉल और ओवर की समाप्ति तो कुल मिलाकर चार ओवर की समाप्ति यहां से चार ओवर के बाद टीम का स्कोर रौनक आए गेंदबाज के ऊपर लेकिन स्ट्राइक पे बीरभूम का ये लड़का आज दुर्गापुर के हर आते ही आते पहला ही गेंद वो जजमेंट तो सही था लेकिन चतुर चालाक चंचल रौनक ने खिड़की के जादू में फंसाया है यहां पे भी खेलने का प्रयास एक और बार फाइनली सिंगल मिल चुका है स्ट्राइक को रोटेट कर चुके हैं स्ट्राइक पे कप्तान प्रोशेंट यहां पे बिलीवर स्वीप सीधा फील्डमैन के हाथ में फाइनल सिंगल बन चुका है और स्ट्राइक पे विशाल मौजूद है और जब तक विशाल है वो अपने टीम के नैया को यहां पे बिलीवर स्वीप और सीधा मैदान के बाहर यहां पे विशाल ने मैसेज दिया है इलाका तेरा होगा धमाका मेरा होगा मैदान तेरा होगा चर्चा मेरा होगा सबसे ऊंचा दर्जा हमेशा हमेशा के लिए मेरा होगा 90 kilometers. एक और बार वाइट बॉल का इशारा अतिथि खाते में एक रन यहां से थोड़ा फंसते हुए रौनक बोल बापे रौनक तैयार यहां पर रिवर्स स्वीप और सीधा सीमा रेखा पार एक और चौका अपने टीम के लिए वन मैन आर्मी बनकर बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले मैच को जहां फिनिश किए थे इस मैच को वहीं से शुरुआत कर रहे हैं विशाल यू ब्यूटी खेलने का प्रयास फाइनल विकेट मिल चुका है और इसी के साथ इनिंग की समाप्ति तो पांच ओवर पांच ओवर में टारगेट कुल मिलाकर लक्ष्य स्कोर बोर्ड रंजित को 79 kilometers. सोनू एक और दिग्गज गेंदबाज इनके सामने और लॉन्ग सेकंड पर द लोकल बॉय लोकल स्टार इंद्रो तो यहां पे जनाब विकेट मिल चुका है शिकार कर चुके हैं और यहां से बबलू आउट होकर पवेलियन में वापस चलिए मैच में मजा आने वाला है क्योंकि बबलू का विकेट सीधा सेमीफाइनल के टिकट में अपना नाम लिखवाएगा तो शायद विशु वही वापस सोनो अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास फाइनली बिंदी गेंद डॉट बॉल तो क्या खूब गेंदबाजी कर रहे सोनो खेलने का प्रयास एक और बार व्हाइट बॉल का इशारा अतिथि के खाते में एक रन तो यहां से हरे गदे रन वो मैच में जान झोंकता हुआ क्योंकि सभी जानते हैं राज है हम बोला सोनू जहां पे शॉट देखे जनाब ये जगह इनका है और स्लॉट के गेट को लैंड करवाते हुए सीधा विद्यासागर कप के पार्किंग लॉट पे मिलेगा चार रन प्रयास एक और बार वो गलती से सीखना जानते हैं इसीलिए कहता हूं जो गलती से शिक्षा लेता है वो बड़ा गेंदबाज बनता है लेकिन यहाँ पे गैप का इस्तेमाल करेंगे वो गलती से खामियां सा भुगतना जरूरी होगा कि विशु का बल्ला ये माशाल्ला बन रहा है चलिए चौका मिल इंद्रो बैठ चौके इंद्रो
विश्वास को बैक कर पाएंगे खेलने का प्रयास एक और बार डॉट बॉल यहाँ पे थर्ड अंपायर के पास हम जाए दूसरी ओर पति एक दूसरे को अच्छी तरह के बाहर क्यों ना हो लेकिन यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे भी बेहतरीन गेंदबाजी और यहाँ से एज ऑफ द बैट द बिग मैच प्लेयर बैक टू पवेलियन तो ऐसे भी बैटर तूफान के नियास होते मैदान है तो स्ट्राइक के तूफान सिंगल डास्टो स्ट्राइक रोटेट कर लें पकाते हैं स्ट्राइक इंद्रो फेंकाते हैं इंद्रो चमत्कार भावे बैटर साउंड के मध्य देखे बॉल गेलो सीमानार ऊपर चार रन जोड़ने चोक से देखा मत बाउंड्री इंद्रो बैट थे व्यवहार चार चक्का होई होई बॉल उड़ाइया गेल कई आबार चार रन से दबाव में थोड़ा था स्टार्टिंग दो यहां पे मेरी बार स्वीप और एक और बार अब की बार तीसरी बार जनाब ये तोहफा मिल चुका है चलिए तोहफा कबूल करते हुए इंद्रो और तोहफा इनको स्टार्टिंग दो एक और बार इसी के साथ ओवर की समाप्ति चलिए बोली बाग पे सोनू आया है और स्ट्राइक में इंद्रो चलिए पहला ही गेंद रिवर्स के साथ चौका जोड़ चुका है इंद्रो के बल्ले से और यादता नहीं है एक और बार स्वीप अब की बार दूसरी बार जनाब लगातार दो गेंद पर दो बाउंड्री इसीलिए मैं कहता हूं बोला पे सोनू स्ट्राइक में इंद्रो जनाब रिवर्स स्वीप और इसी के साथ वो कमबैक करवा चुके हैं क्योंकि इंद्रो यहां से जानते हैं बड़ी मछली जाल में फंसा चुके हैं सोनू इंद्रो आउट होकर पवेलियन में वापस चलिए आते ही आते शॉट देखिए जनाब ये सिलेबस में नहीं था लेकिन सिलेबस के बाहर से कभी कभी वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्वीप लेकिन सीधा फील्डमैन के हाथ में फाइनली बिंदी गेंद वो डॉट बॉल दे चुका है और ये आखिरी गेंद में चौका आना ये बहुत जरूरी है स्ट्राइक पे एक और बार पांच ही मौजूद है संजीव दबाव मोमेंट पे पाजी आएंगे और पाजी यहां से छाएंगे मिलेगा चार रन इसीलिए मैं कहता हूं दबाव ये जब जितना छोटा है इसका महत्व उतना ही बड़ा रुक्षा के तूफान संजीव पांची क्या यहां से सुपर ओवर आ सकता है पांच ही
रिवर्स स्वीप और यहां से जनाब ड्राइविंग सीट पे वापसी कर चुके हैं विशाल ब्रिगेड आखिरी तीन पे 17। यहां पे सीधा बल्ला पांची ने चौका लगा दिया है जनाब ये बहुत ज्यादा बिटेरा 58 एक और बार तो एक पे नौ बिंदी गेंद और इसी के साथ इस मैच को जीता है और मैदान को छोड़ेंगे सीना को चौड़ा करते हुए आंखों में आग डालते हुए